नमस्कार, मैं हूं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना YouTube चैनल सच न्यूज जागो। आज हम पहुंच चुके हैं शेरपुर गांव में और यहां पे आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 18 अगस्त को यहां पे लोगों ने झंडा को झुकने नहीं दिया था, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो उस गांव के कुछ युवा लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज शहादत दिवस पे लोग क्या कहेंगे। तो भैया, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीश राय है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। देखिए, हम सब हर वर्ष शहीद दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये शहीदों की धरती रही है, बलिदानी धरती कही जाती है इसे, और हम शहीदों के पूर्वज भी हैं, तो इसलिए हमारा जुनून कभी कम नहीं होता शहीदों के लिए, और शहीद हमारे पूर्वज हैं। शहीदों से, इस गांव से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताइए। देखिए, हमारे गांव के जो 8 शहीद हैं, जो कि जिनमें सबसे आगे डॉक्टर हमारे पूर्वज डॉक्टर शिव पूजन राय जी थे, जिन्होंने 18 अगस्त 1942 को जाके हमारे तहसील पे झंडा फहराया था। जब अंग्रेजों की सरकार थी उस वक्त, उन्होंने जाके एक कमेटी बनाई और वहाँ पे गए और शहीद हो गए। और उन्होंने कहा कि जब वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ पे अंग्रेज था, उसने कहा कि मैं शिव पूजन, तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और उसने उनके पैर पे गोली भी मारी। तब उन्होंने उन अंग्रेज़ों से ये कहा कि अरे, पैर पे गोली क्यों मारते हो, मारना है तो सीने पे गोली मारो। तो यही हमारे पूर्वजों की दशा रही है, और हमारे पूर्वज जो है बलिदानी रहे हैं, जिनकी परंपरा यही रही है कि हम भी शहीद हों। और ये शहीदों का गाँव भी है, शहीदाने वतन शेरपुर। तो सुना आपने, ये है गांव शेरपुर, शहीदों की धरती मानी जाती है और